Ni camisa. गुड आफ्टरनून सर. बैठिए. सॉरी सर, मेरा ड्रेस आज कंप्लीट नहीं हुआ है तो मैं नहीं आ पाई हूँ ड्रेस ले. हाँ ड्रेस में सर, मैं आज नहीं आ पाई, तबीयत खराब है सर. कोई बात नहीं. उन्नीस सौ बयानवे की कोई प्रमुख घटना बताइए. सर 1992 की अगर प्रमुख घटना देखें तो सर 1992 में सर हमारे संविधान में नगरी निकाय को जोड़ा गया. 73वां संविधान संशोधन 1992 या 93 में? सर 92 में जोड़ा गया और 93 में एग्जीक्यूट हुआ सर. 92 में इसका विधेयक जो है 92 में आ गया था. 73वां संविधान संशोधन 1992 में. अच्छा, ग्राम पंचायत जी सर इनका प्रावधान किया. जी सर. जी आप बताइए. और दूसरी बात सर, बाबरी मस्जिद की घटना हुई थी सर, बाबरी मस्जिद की बिल्डिंग गिरी थी 1992 में. अच्छा अच्छा सर. सिवा से आप? जी सर. कौन सा ग्राम पंचायत है वहाँ पे? सर टिहली पाली ग्राम पंचायत है. जी जी टिहली पाली ग्राम पंचायत मेरा गांव है. जी सर. अच्छा अच्छा. जी सर. कौन है वहाँ का ग्राम पंचायत अध्यक्ष? ग्राम पंचायत सर माननीय श्री मनोज कुमार महनाले जी हैं. अच्छा अच्छा. तहसील कौन सा लगता है? सर बिलाईगढ़ तहसील सर. अच्छा अच्छा. बिलाईगढ़ तहसील. जी सर. तो जिला बनने वाला है? जी सर. सारंगढ़ के साथ अटैच. आप खुश हैं कि उससे दुखी हैं? सर मैं खुश हूँ सर. आप खुश हैं? यस सर. क्यों भाई? सर इसलिए सर क्योंकि बलौदा बाजार सर जो जिला मुख्यालय था वो मेरे यहाँ से मेरे गांव से सर जो टिहली पाली ग्राम पंचायत है वहाँ से सर 110 किलोमीटर की दूरी पर है सर. इसलिए वहाँ हर काम में पंजीयन कराना हो या फिर कलेक्टर से मिलने का काम हो या फिर किसी भी काम के लिए जिला मुख्यालय तक का डिस्टेंस जो था काफ़ी होने के कारण सर समय और पैसा दोनों का सर अपव्यय हो रहा था. और उसमें सर सारंगढ़ और बिलाईगढ़ में हमारे अगर मुख्यालय बन जाते हैं तो सर सरकार तक हमारी पहुंच भी सुनिश्चित होगी और सर हम हमारा समय और पैसा दोनों बचेगा सर. अच्छा अच्छा. बलरामपुर में भी एक प्रतिभा है, बहुत दुखी है, रामानुजगंज में रहती हैं, क्या करना चाहिए उनको खुश करने के लिए? सर मैं समझ क्वेश्चन. बलरामपुर में भी एक प्रतिभा रहती हैं. यस सर. वो भी बहुत दुखी हैं, उनको खुश करने के लिए क्या कर सकते हैं? सर क्या मैं जान सकती हूँ कि वो किस बारे में दुखी हैं? जी जी जी. नहीं आपको नहीं बताया जाएगा सर. बलौदा सर पहले तो उनकी प्रॉब्लम सर जानने की कोशिश करनी चाहिए. अगर मैं होती सर तो मैं पहले जानने की कोशिश करूंगी कि उनका मेन प्रॉब्लम क्या है, उनकी समस्या क्या है सर. उसके बाद फिर उनसे मैं बातचीत करके समस्या को सुलझाने का प्रयास करूंगी सर. जी सर. आप का सर नेम लहरे है या लहरे? लहरे है सर. लहरे मतलब क्या होता है सर? लहरे सर एक संज्ञा ही है सर जो एक नाम के साथ ही जुड़ने वाला. जी. स्पेसिफिक कोई मीनिंग नहीं है सर. सर कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है. सर सिवा का कोई मीनिंग है? सर सर सिवा का भी कोई मीनिंग नहीं सर, नाम में है. अच्छा ठीक. ये बलौदा बाजार बोलते हैं, बलो पहले बैलों को बेचा जाता था. जी जी जी. उसके लिए एक बाजार था. जी सर. तो आपके क्या लगता है, बैलों की खरीदी बिक्री करनी चाहिए? सर सर पहले हरियाणा गुजरात जैसे राज्यों से सर यहाँ पे बैलों का एक मार्केट लगता था जहाँ से यहाँ बाजार लगता था और लेन देन होता. नहीं, आप बस इतना बताइए कि आपको लगता है ये बैलों की या खरीदी बिक्री होनी चाहिए या नहीं? हाँ या नहीं में जवाब दीजिए. जी सर, बलौदा खरीदी बिक्री होनी चाहिए सर क्योंकि जो जिनके पास बैल हैं अगर वो बैलों का पालन पोषण करने में जो पशुधन है उनको संरक्षित और संवर्धित करने में सक्षम नहीं है तो उनको दूसरे पर मुख्यतः तो ये देखा जा रहा है कि ये जो बैलों का खरीदी बिक्री हो रहा है तो मुख्यतः मांस के तौर पर किया जा रहा है, मांस कटिंग के कारण. तो आप कहाँ तक उसको सही समझते हैं? सर अगर मांस कटिंग के तौर पर देखा जाए तो सर निश्चित रूप से ये गलत है मेरे ख्याल से. बट सर अगर पशुधन के पर भारत का अगर कुल आय का स्रोत देखेंगे तो उससे काफ़ी ज़्यादा स्रोत आता है आपके जो मीट हम यहाँ से भेजते हैं. यस सर. खासकर बीफ मीट बोलते हैं जिसको. यस सर. फिर आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? सर उसके लिए मैं यही कहूँगी सर कि पशुधन पशुधन को खाने की बात है वो कहीं ना कहीं सर अपने इच्छा से अगर खा रहे हैं तो मैं उसमें कोई टिप्पणी नहीं कर सकती. बट सर इसके लिए कोई सर ज़रूरी नहीं है कि मांस खाकर ही अपना बॉडी का रिक्वायरमेंट पूरी किया जाए सर. पशुधन का भी संरक्षण और संवर्धन किया जाए क्योंकि हमारे काफ़ी हद तक हमारे हमारे लिए बहुत उपयोगी है पशुधन. पशुधन आपके लिए काफ़ी उपयोगी है? जी सर. नर्सिंग कितने वर्षों का होता है? सर 4 वर्ष का होता है सर. तो 2010 के बाद आपका 2015? यस सर. सर यूनिवर्सिटी में कुछ इशूज़ हो गए थे सर इसलिए हमारा 1 साल डिले हो गया, 6 महीने डिले हुआ था सर एग्ज़ाम.
यूनिवर्सिटी में इशू होने से? यस yes, सर। कैसा इशू आ गया था सर? इशू ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं था सर, लेकिन जो प्रोफेसर थे पेपर चेक करने और जो हमारा एग्ज़ाम लेने तक सर समय एक साल का जो होता है वो 14 से 15 महीने हो गया था सर उस टाइम पे 2014 में सर, इसलिए तीन चार महीने बढ़ गया था सर। जी जी जी। अच्छा, प्रेफरेंस क्या लिया आपने पहला? सर डिप्टी कलेक्टर। उसके बाद? डीएसपी सर। डीएसपी का पद लिया। लास्ट में? सर लास्ट में सर जेल इलेक्शन। क्यों भाई, उनको सबसे पीछे क्यों कर दिया? सर इसलिए सर अगर मैं प्रैक्टिकल तौर पे देखूँ तो मुझे सर सेकंड क्लास अधिकारी बनने की मेरी प्रायोरिटी मैंने रखी, इसलिए सेकंड क्लास अधिकारी का सर। आपका डिमांड एक पद है सर? पद नहीं बोल सकती सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो डिप्टी कलेक्टर का पद है सर, डिप्टी कलेक्टर का स्पेसिफिक कोई पोस्ट नहीं होता है सर, उसको किसी भी एरिया में अच्छे डिपार्टमेंट में उसको दिया जाता है सर, जिससे मैं काफ़ी प्रशासन के विभिन्न विभागों से जुड़ सकती हूँ, कार्यों में इसमें विविधता मुझे मिलेगी और सर मैं अलग अलग सेक्टर्स में काम कर सकती हूँ, इसलिए सर मैंने पहली प्रायोरिटी में रखा। तो बाकी पदों में भी मिल सकता है आपको, जेल अधीक्षक के तौर में भी अगर आप जाएंगे तो आप सोचिए कि आप सबसे बड़ा कार्य करेंगे, जो समाज के सबसे बिगड़े हुए लोग हैं yes, उनको आपको सुधारने का मौका मिलेगा। यस yes, सर। सर उसमें सर जेल विभाग में जाने से सर मेरा दायरा थोड़ा सीमित मुझे दिखाई देता है, एक जेल के अंदर में ही रहकर मुझे उनको सेवा देनी होगी, लेकिन सर मैं डिप्टी कलेक्टर के पद का अगर मुझे अवसर मिलता है, सौभाग्य मिलता है, तो सर मुझे उसमें कार्यों में विविधता। आपको क्या लगता है, जेल में एक व्यक्ति को भेज देते हैं दंड करने के पश्चात? यस सर। ठीक है, तो उसको तो एक जगह पर हमने सीमित कर दिया। यस सर। और माना जाता है कि व्यक्ति विकास के लिए आपका सीमित क्षेत्र से ज़्यादा हमको एक बड़े क्षेत्रों में उसका विकास होता है। यस सर। फिर वो तो ऑलरेडी उस इंसान का विकास रुक जाएगा। यस सर। तो क्या एक खुला जेल होना चाहिए या एक बंद जेल होना चाहिए? सर खुला जेल का भी सर कॉन्सेप्ट हमारे बेमेतरा में हमने देखा था। नहीं, आपको क्या लगता है, वहाँ कहाँ देखे? नहीं, आपको क्या लगता है, खुला जेल होना चाहिए बंद जेल होना चाहिए? सर दोनों ही कॉन्सेप्ट अपने अपने जगह पे सही है सर, क्योंकि बंद जेल अगर हम देखें तो सर मानव जो है वो अगर कोई क्राइम करता है जिसकी वजह से उसे दंड मिला है जेल का सर, वो कहीं ना कहीं एक विकृत मानसिकता से प्रेरित होता है सर, जिसके कारण उसने क्राइम किया है, तो सर उस मानसिकता को ठीक होने में एक मानवता उसमें आने में सर थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए सर हमें उसे सीमित दायरे में रखकर सर रखना चाहिए, ताकि वो उसमें फिर से वो मानवीयता आए और वो सर ऐसे क्राइम करने के लिए फिर सर उसको थोड़ा सा उसके मन में डर भी पैदा हो। आईपीसी के बारे में जानते हैं, आईपीसी सीआरपीसी के बारे में? जी सर। अच्छा, महिलाओं के लिए क्या क्या प्रावधान किया गया है सीआरपीसी में? सर सीआरपीसी में सर जो पीड़ित महिला है और जो क्रिमिनल महिला है सर, दोनों के लिए प्रावधान किए गए हैं। जैसे अगर हम पीड़ित महिला में देखें तो सर उसे 0 FIR करने का प्रावधान मिला हुआ है सीआरपीसी के तहत, जिसके तहत सर वो किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर अपना रिपोर्ट दर्ज करा सकती है। उसके पश्चात सर अगर हम देखें तो महिलाओं को सर जो बयान देने का जो अधिकार होता है सर, वो महिला अगर चाहे तो सार्वजनिक ना करके अपने पर्सनल एक पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना बयान दर्ज करा सकती है। आईपीसी में बताइए, आईपीसी जी जी, सॉरी सर मुझे ध्यान नहीं आ रहा, आईपीसी में ध्यान नहीं है। ठीक है, कोई नहीं, आपको पढ़ाया तो जाएगा ही। ठीक है, जब आप एक प्रशासक के रूप में आएंगे, कार्यरत होंगे, तो आपको आईपीसी सीआरपीसी का ज्ञान देगा। आपने अनुसूचित जाति लिखा हुआ है, किस जाति विशेष से? सर मैं सतनामी जाति से हूं। उसे आपने लिखा नहीं यहाँ पे? सर मैं लिखूंगी सर, सॉरी सर। जी जी जी, ओके, चलिए। क्या होते हैं अनुसूचित जाति? सर अनुसूचित जाति सर इसके बारे में सर सबसे पहले बात हमारे 1935 के अधिनियम में कहा गया था सर, जो संविधान में जो जाति को सर लिस्टिंग जिसकी की गई है सर, उन जातियों को अनुसूचित जाति के अंतर्गत हम रखते हैं। इसका सर किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है सर। अच्छा, उनको अनुसूचित जाति बोलते हैं? यस सर। तो इनके लिए कुछ अभी बदलाव हुआ है क्या पिछले कुछ वर्षों में या कुछ महीनों में, इनसे संबंधित कोई भी बदलाव किया गया? सर अनुसूचित जाति से संबंधित सर अभी कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। कोई संविधान संशोधन? सर पिछड़ा वर्ग के लिए हुआ है सर संविधान संशोधन। अच्छा जी, ये मैंने सुना कुछ अनुसार संविधान संशोधन 104 में कुछ हुआ है इनके लिए बदलाव, क्या था वो बदलाव? सॉरी सर मुझे ध्यान नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, लोकसभा और राज्यसभा में कुछ आरक्षण था? ये सर हटाया गया है सर शायद। जी, ये परिवर्तन है। सॉरी सर। अच्छा, ठीक है, बात करते हैं आपका ये आयुष
सर। आयुष मंत्रालय? यस सर। ठीक है, कौन है आपके आयुष मिनिस्टर अभी आयुष मंत्रालय के? सर आयुष के जो हमारे यहाँ सर आयुष मंत्रालय के सर अगर सेंट्रल लेवल पे देखें तो माननीय हर्षवर्धन जी हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के। अभी तो हट गया क्या? यस सर। अभी तो उनको डिपार्टमेंटल सफलिंग हुआ फिर उसके बाद हटा दिया गया? सर सर मुझे रिजल्ट याद नहीं है। और आयुष के अगर चीफ देखें सर तो डॉक्टर एम के चंद्रशेखर जी हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में जी सर, रायपुर में। तो वहाँ पर सेंट्रल लेवल पे? सेंट्रल लेवल पे सॉरी सर मुझे आपको नहीं पता है। जी जी जी। अच्छा, ये आयुष में आपका यूनानी और सिद्धा दो विशेष तरह के उपचार के बारे में बात करते हैं, सिद्धा के बारे में बताएं। सर सिद्धा मेडिटेशन से रिलेटेड सर जहाँ तक मुझे याद है सर, मैं कन्फर्म नहीं हूँ सर। अच्छा कन्फर्म नहीं है सर। यूनानी कहाँ से आया सर? यूनानी यूनान देशों का कॉन्सेप्ट रहा। यूनान से आया? यस सर। कॉन्सेप्ट कहाँ पे है यूनान सर? भारत के पश्चिम में है कि पूर्व में? पश्चिम में। भारत के पश्चिम में आता है यूनान? सॉरी सर वो भी नहीं पता। कोई बात नहीं, चलिए चलिए आयुर्वेद को यूनान तक पहुंचाइए। मतलब भारत से आपको यूनान तक की यात्रा करनी है। yes, कौन कौन से देश पड़ेंगे सर भारत को अगर यूनान तक? सर मुझे यूनान का एक्चुअल डायरेक्शन मुझे याद नहीं आ रहा है सर। योग और आयुर्वेद को तो आप यहीं पर रखेंगे? yes, sir. दोनों को तो आगे जाके? yes, चलिए, उसके बाद क्या आता है आपका यूनान? यूनान के बाद क्या आपका सिद्धा? yes, sir. ठीक है, उसके बाद होम्योपैथी। अच्छा अच्छा, सिद्धा तक लेके चलिए हमको, आयुर्वेद को सिद्धा तक लेके चलिए, जहाँ पर सिद्धा का जन्म हुआ और जहाँ पर आपका भारत यहाँ पर आयुर्वेद का। yes, sir. अगर हम उस देश की ओर बढ़े आगे जहाँ सिद्धा का विकास हुआ था तो कौन कौन से आपको देश पड़ेंगे? सॉरी सर मुझे भौगोलिक क्षेत्र मुझे ध्यान नहीं। भौगोलिक क्षेत्र ध्यान नहीं है। चलिए कोई कोई बात नहीं। आपका BSc नर्सिंग रहा है, उसके पहले आपने जीव विज्ञान रसायन और भौतिकी की पढ़ाई की थी स्कूल लेवल पे? यस सर। तो नर्सिंग में जाने से पहले आपको डॉक्टर बनने का मन नहीं हुआ? सर हुआ था सर, लेकिन मैंने PMT की कोचिंग करने चाहिए थी सर। कुछ महीने मैंने यहाँ से बिलासपुर से क्रैश कोर्स किया भी था लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया, और सर परिवार की परिस्थितियाँ उस हिसाब से बन नहीं पाई थी, तो फिर मैंने नर्सिंग का नर्सिंग चूज करके सर नर्सिंग किया। अच्छा अच्छा जी। एक अभी कहीं कहीं पर कोविड में ये देखने को मिला yes, कि दो अलग अलग तरह के वैक्सीन लगा दिए गए हैं। yes, पहले डोज में कुछ और दूसरे डोज में कुछ yes, और, इससे क्या हानि हो रहा है? सर कोविड का जो वैक्सीन सर किसी ने जानबूझकर लगाया है सर, ये अलग अलग डोज, और किसी ने अनजाने में किसी के द्वारा लगाया गया है सर। अभी इस पर रिसर्च अभी चल रहा है, इसमें क्या प्रभाव एग्जैक्ट प्रभाव होंगे सर अभी तक वो सामने नहीं आया है मेडिकल के द्वारा सर। तो अगर आपके पास अगर आपके पास मैं आकर बोलूं कि मुझे कोवैक्सीन लगा हुआ है yes, sir. तो मुझे कोविशील्ड लगवाना है yes, sir. एक नर्स के तौर पे आप मुझे लगाएंगे? सर उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है सर कि जिसको नहीं, आप लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? सर मैं सर पहले उसके बारे में मैं सर स्टडी करूंगी पहले कि नहीं, मुझे तो तुरंत लगवाना है वैक्सीन। यस सर। आप क्या निर्णय लेंगे, आप मुझे लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? सर मैं पहले आपको सजेस्ट करूंगी सर कि जो आपने डोज लगवाया है आप वही लगवाएं, और अगर फिर भी आप कहते हैं सर कि मुझे लगाना चाहिए, मतलब मुझे लगाना ही है, तो सर मैं थोड़ा टाइम लूँगी आपसे सर कि मैं थोड़ा सा सर मुझे टाइम दीजिए, मैं एक बार रिसर्च करूँगी, फिर उसके बाद ही अगर आपके लिए सही होगा तो भी आपको लगा पाऊँगी सर मैं। पहले आपका पेमेंट था करीब 14,000 रुपये? यस सर, प्राइवेट हॉस्पिटल। और आप अभी DC के पद में आना चाहते हैं, यहाँ पर 56,000 के करीब आपका यस सर पैसा है। यस सर। इसमें तो ऊपर की कोई कमाई नहीं थी? यस सर। DC में सर DC में प्रशासन एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर सर मुझे अगर कार्य करने का सौभाग्य मिलता है तो सर मुझे सरकार की तरफ से जो भी मेरे कार्य के लिए जो प्रेग्रेड नहीं, नहीं मैं पूछ रहा हूँ उसमें ऊपर की कमाई होती है कि नहीं होती? सर मुझे इसके बारे में सर कोई आइडिया नहीं है। तो न्यूज़ में आए दिन आता है उसने इतना पैसा लिया उतना लिया सर? जी सर न्यूज़ में आता है सर, सुनने में आता है वो सर, बहुत सारे डिपार्टमेंट में होता है सर, लेकिन मैंने प्रत्यक्ष रूप से ऐसा प्रैक्टिकल देखा नहीं। आपको क्या लगता है सारे पदों में सबसे ज़्यादा किस पद में होता होगा, राज्य सेवा के जो पद हैं उसमें से किस पद में आपको सबसे ज़्यादा होता होगा ये चीज़, कहाँ पर मिल सकता है सबसे अधिक पैसा? सर करप्शन की अगर मानसिकता हमारी है तो सर हम हर फील्ड में अपने अवसर तलाश सकते हैं सर। बहुत सारे फील्ड ऐसे हैं जैसे सर हमारा एक्साइज डिपार्टमेंट है,
और बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं सर, अगर हम उस नज़रिए से उस पद को देखना चाहें, पद की गरिमा का ध्यान ना रखते हुए, तो सर हम सभी फील्ड में अपने अपॉर्चुनिटी हम तलाश सकते हैं। सर जैसे नर्सिंग फील्ड में भी अगर मैं देखूँ तो सर इसमें भी जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो रिक्रूट हो चुके हैं सर, वो भी जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है उसको प्रमोट करने के लिए जो सरकार के द्वारा, ऐसा कोई व्यक्ति आपके कार्यरत जब आप थे वहाँ पे तो आपके संज्ञान में आया था कि वो इस तरह के कुछ पैसे लेते हैं या ऐसा कुछ होता है? यस सर, मैंने सुना था सर बहुत बार। जो इंस्टीट्यूशन, क्या कदम उठाया आपने उसके लिए? सर उसके लिए मैंने सर अपने जो मैडम थी, जो नर्स इंचार्ज थी सर, उनसे मैंने एक बार बात की थी, क्योंकि जो जो दीदी जो लेने वाली थी वहाँ पे जो मैडम थी सर, उनके साथ जो पेशेंट थी उनका पुलिस केस क्यों नहीं किया आपने? सर क्योंकि सर पुलिस जो हेड इंचार्ज थी सर, वहाँ तक मेरा पहुँचाना सर, क्योंकि ये सब एक थ्रू चैनल चलता है सर, इसलिए सर मुझे उनको इन्फॉर्म करना ज़्यादा बेटर सही था मेरे लिए। फिर उसके बाद उन्होंने, आपको लगा कि आपने करप्शन कोई कर रहा था आपके सामने और आपने उसके खिलाफ एक एक्शन लेना चाहा, पर आपने एक्शन लिया नहीं सही से? आपको मेरे ख्याल से तो जाना चाहिए था पुलिस तक और उसके बारे में बताना चाहिए था सर, क्योंकि सर ये थ्रू चैनल चलता है सर कोई भी चीज़, इसलिए सर मैंने अपने, फिर तो आप चैनल से अलग क्या करेंगे? अगर आपको भी इसी चैनल का हिस्सा बनना है तो आगे चल कर ये चैनल आपको ही पैसा देकर जाएगा, फिर क्या आप कुछ एक्सेप्ट करेंगे या चैनल के बाहर कुछ करना? सर ये मेरा सेल्फ डिसीजन होगा सर कि मुझे करप्शन की तरफ आगे बढ़ना है या अपने पद की गरिमा को बनाए रखना है सर, मैं उस पर अडिग रहूँगी सर। कौन सी समिति बनाई गई है करप्शन से निवारण के लिए? सर करप्शन के निवारण के लिए सर लोकपाल और लोकायुक्त भी संचालित हो रहे हैं सर। नहीं नहीं, मैं समिति पूछ रहा हूँ। सॉरी सर, समिति मुझे ध्यान नहीं। चलिए ठीक है, वो सब बताइए। अच्छा ये बताइए, अगर आप अभी आपको पदस्थ मिल जाए नायब तहसीलदार या किसी भी रूप में, यस सर, और आपके जो ऊपर के अधिकारी हैं, यस सर, ठीक है, आपको पता है वो आपको पैसे दिए हैं, यस सर, अब वो आपको नहीं दे रहे हैं, आपको ऐसा नहीं, आपको नहीं रखना है, यस सर, उनको कहीं से एक पैसा मिला है 3-4 लाख रुपये 5 लाख रुपये जितना भी, और वो आपके हाथों में देकर बोलते हैं, यस सर, इसे आप मेरे घर पर पहुँचा दें, यस सर, आपको पता है पैसे कहाँ से हैं? यस सर। आप क्या करेंगे? सर पहले तो मैं सर से कहूँगी कि सर मुझे इस चीज़ का हिस्सा ना बनाए। नहीं, आपको करना, देखो आप फिर तो बात होगी ना कि सब पद की गरिमा में हम कहते हैं कि अपने से उच्च अधिकारी के कर्तव्य जो कहा जाएगा उसको मानेंगे। यस सर। फिर आप बोलते हो कि फिर उससे नहीं करोगे, वो आपको दे दिए हैं, वो तो आपको पहले सुनते ना, आपको तो उन्होंने दे, जाओ आपको रख के आना है, आप उनसे बात नहीं कर सकते, आप क्या करोगे? सर तो वहाँ पे सर जैसा भी सिचुएशन रहेगा सर, मैं थोड़ा सा विचार करूँगी कि मेरे लिए कितना सही है और कितना गलत है, लेकिन फिर भी सर मैं जितना हो सके उनसे एक बार वार्ता स्थापित नहीं, बात तो हो ही नहीं पाएगी सही गलत नहीं। आप क्या घर पे छोड़ेंगे या उस पैसे के साथ आप क्या करेंगे, उनके घर ले जाके छोड़ेंगे? सर घर जाके छोड़ना सर मेरे मुझे उचित महसूस नहीं होता, उचित प्रतीत नहीं होता सर, क्योंकि सर मैं वो पैसा, उस पैसे पे उनका कानूनी अधिकार नहीं है सर, इसलिए मैं, मुझे लगेगा कि वो पैसा उनके घर में जाना सही नहीं है, इसलिए सर। तो पुलिस थाने में ले जाके देंगे? सर मुझे, मैं विचार करूंगी सर इस पर कि सर उनकी भी पद की गरिमा बनी रहे, क्योंकि सर जो जनता है उनका जुड़ाव उस उन अधिकारी के साथ होगा, तो सर उनकी भी विश्वसनीयता और गरिमा को। आपको लगता है ऐसे अधिकारी के साथ हमको काम करना चाहिए जो इस तरह के मानसिकता से कार्य कर रहा है, उसने पैसे लिए आपको पता है, तो जनता से कैसा जुड़ाव? कोई जुड़ाव ही नहीं है सर, मेरे कहने का वो तो रक्षक से ज़्यादा भक्षक की तरह दिख रहा है। सर मेरे कहने का तात्पर्य ये है, अगर मैं उनकी उनके जो भी उन्होंने कृत्य किया है अगर उसको मैं उजागर करती हूँ, तो सर जनता का जो विश्वास एक प्रशासनिक अधिकारी के प्रति होता है सर, वो विश्वास टूट जाएगा सर कहीं ना कहीं, और प्रशासन के प्रति जो जनता का जो ट्रस्ट बना हुआ है, जिस पे आँख बंद करके जनता भरोसा करती है और अपने डॉक्यूमेंट्स से लेकर अपने पैसे सारा चीज़ जिनके हाथों पे रखती है, उन प्रशासनिक अधिकारी के प्रति सर उनका विश्वास कम होता दिखाई देगा सर, इसलिए सर मैं उनकी भी गरिमा को बनाए रखूंगा। आप भी उस प्रशासन के हिस्से हैं, जिस हिस्से उस प्रशासन के, आप उस प्रशासन को बचाना ज़्यादा कोशिश करेंगे बजाय जिसने गलत किया है उसको जेल पहुंचाने। जी नहीं सर, मेरा तात्पर्य सर ये था कि मैं उस पद की गरिमा भी बनाए रखूंगी सर, और मैं उनसे वार्ता स्थापित करके मैं ये उनसे ये कहूंगी सर कि सर मतलब जैसा भी है सर सिचुएशन मैं हैंडल करने की कोशिश करूंगी और उनकी गरिमा को बनाए रखते हैं। चलिए हटाइए आप, कोई बात नहीं, अब आप तो पद और गरिमा में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, कोई बात नहीं, इसको हटाते हैं। अच्छा ये बात बताइए, आपको क्या लगता है कि अगर आप एक डिप्टी कलेक्टर बन जाते हैं तो समाज में किस तरह का परिवर्तन आएगा आपके सिर्फ बनने से? आप कोई, आप कार्य भी नहीं कर रहे हैं, यस सर, आप बने हो, अगले दिन समाज में क्या परिवर्तन आएगा आपके आसपास के समाज में या दूर कहीं आपके बनने से क्या परिवर्तन आ जाएगा? मैंने कार्य प्रारंभ ना किया हो तब सर। हाँ मतलब कल आपका रिजल्ट आ जाए, कल आप सिलेक्शन हो गए और परसों क्या परिवर्तन आ जाएगा समाज में?
सर समाज में ये परिवर्तन आएगा सर, जैसे मैं अपने आसपास के अगर क्षेत्र को देखती हूँ तो सर उसमें सबसे बड़ा परिवर्तन ये आएगा कि हमारे क्षेत्र की एक लड़की सर एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में स्थापित हो गई, तो सर इससे उस जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में सर एक मोटिवेशन संचार होगा सर, मोटिवेशन का कि वो बन सकती हैं तो हम उसको और प्रमोट करें और हम भी उसके पदचिन्हों पर आगे चलते हुए उस स्थान को प्राप्त करें। सर दूसरी बात कि मुझे समाज में एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में एक सम्मानित दृष्टि से देखा जाएगा। तीसरी बात यह है सर कि मैं चूँकि मैं एक महिला हूँ तो सर मैं जो मेरे अनुज जो भी महिलाएं लड़कियां होंगी सर वो भी मोटिवेट होंगी और वो भी एक इस प्रशासन का हिस्सा बनने के लिए सर तत्पर होंगी और पढ़ाई के प्रति उनकी सर जागरूकता बढ़ेगी। और महिलाओं को आप कोई 5 क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर महिलाओं को मैं ये मैसेज देना चाहूँगी सर कि पहले वो अपनी गरिमा बनाए रखें। सर दूसरा ये कि शिक्षा के प्रति हमेशा जागरूक होना चाहिए, अपने अधिकारों के प्रति सजग होना चाहिए। सर तीसरा ये है कि किसी भी परिस्थिति में जैसे जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आए वो हमारे जीवन का हिस्सा है और हमें उसे लड़ते हुए हमें आगे बढ़ना है। सर तीसरी बात ये है कि सर कोई भी मंजिल आखिरी नहीं होती, हमें अगर कुछ प्राप्त हो जाता है कुछ बड़ा अचीव हो जाता है तो हमें और अनवरत प्रयासरत रहना चाहिए, वहीं तक सीमित नहीं रहना चाहिए। सर तीसरी पाँचवीं बात ये कि सर जो महिलाएं हैं वो किसी पुरुष से कम नहीं है, इसलिए अपने अस्तित्व की लड़ाई वो हमेशा लड़ें। और पुरुषों को अगर 5 देना हो तो? सर पुरुषों को अगर 5 देना हो तो सर मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि पहले बार सर महिलाओं का सम्मान करें, क्योंकि सर काफ़ी हद तक हमें देखा जाता है। एक्सप्लेनेशन मुझे बस आपका सॉल्यूशन चाहिए। सर महिलाओं का सम्मान करें। सर दूसरी बात है कि घर पर जो महिलाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर सर उनको डोमिनेट करने के बजाय उनके साथ कदम मिलाकर चलें। सर तीसरी बात यह है कि जो घर की जिम्मेदारी है वो चूँकि पुरुष प्रधान समाज है तो सर महिलाओं के साथ दोयम दर्जा ना करते हुए अपने घर के कर्तव्यों का पालन करें। और सर अगर वो एक प्रशासन में आते हैं या फिर जिस भी असंगठित क्षेत्र में भी अगर हैं तो सर वहाँ ईमानदारी से अपने गरिमा को बनाए रखते हुए कार्य करें। और सर पांचवा देखो तो सर उनको एक अच्छा मानवता का व्यवहार हमेशा करना चाहिए। अच्छा, तो बातों से तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि पुरुष मानवता को खो चुके हैं, महिलाओं में वो रह गया है। दूसरा मुझे ये भी देखने को मिलता है कि पुरुषों को सीखने की ज़रूरत है, महिलाएं ऑलरेडी सीखी हुई हैं बहुत सारी चीज़ों को। आपके विचार से महिला की तरफ झुके हुए दिखते हैं, पुरुषों की तरफ कम दिखते हैं, ऐसा क्यों? सर आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ होगा? यह मैंने देखा है काफ़ी जगह पे, जब भी हम बातें करते हैं तो इस तरह से एक झुकाव आता है, एक महिलाओं की तरफ एक अलग झुकाव आता है, पुरुषों की तरफ अलग। ऐसे कोई 3 कारण बता सकते हैं? सर क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ सर, तो मैं जिस परिस्थितियों से मैं जिस प्रकार से संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रही हूँ सर, तो कहीं ना कहीं मुझे इसका अनुभव है। सर इसका अगर मैं कारण दूँ तो पहला तो समाज में सर महिला दोयम दर्जे का व्यवहार होता है महिलाओं के साथ। सर एक लड़का और एक लड़की दोनों सेम घर में अगर पैदा हुए हैं सर तो लड़कों को अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं ज़्यादा मिलती है। सर दूसरा अगर ये देखा जाए कि अगर एक पुरुष है कोई लड़का है सर वो अगर 10 साल तक तैयारी भी कर रहा है किसी चीज़ का सर उसके लिए उंगली नहीं उठती, लेकिन एक महिला अगर 3 साल से तैयारी कर रही है तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं उंगली उठती है कि मतलब अगर इसको एक शादी में अब सीमित कर दिया जाए या फिर इसकी अपॉर्चुनिटी अब थोड़ी सी कम कर दी जाए। और सर अगर तीसरा देखूँ तो सर समाज में अगर कुछ भी गलत होता है तो सर उसका कहीं ना कहीं महिलाओं को ही सर उसका कारण बताया जाता है। चलो ठीक, वेरी गुड, थैंक यू। फीडबैक देते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन मैंने पूछा, यस सर, अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो उत्तर देंगे कि मैं वही 5 विचार पुरुषों के सामने भी रखूंगी जो मैंने महिलाओं के सामने रखे, कहीं भी झुकाव नहीं करूँगी। कर सकते थे? ठीक है, एक्टिव माइंड का खेल होता है, इसमें आपका एक झुकाव दिखेगा एक तरफ, ठीक है। या हो सकता है पुरुषों को क्या देना चाहेंगे मैसेज, फिर महिलाओं को देना चाहेंगे हम, और इस ऐसा बोलने के पीछे का एक नज़रिया आपका ये होगा कि आप समानता पे विश्वास करते हैं, असमानता पे नहीं करते, आप मान लो ना समानता है। महिला सशक्तिकरण के साथ साथ पुरुष सशक्तिकरण भी करने की बात कर रहे हैं, आप वो कर सकते थे। बाकी ठीक है, आप आपका अपना व्यवहार है, आप उसके हिसाब से बता सकते हैं, बट हाँ एक आध पॉइंट अलग हो सकता है कि मैं वो 5 विचार उनको भी बोलना चाहूँगी, इसके साथ साथ मैं कुछ और भी ऐड करना चाहूँगी। सर जो करप्शन वाला आपने मेडल बताया तो उसमें क्या? जी मैं भी आके उसको डिस्कस करूँगा आपके साथ, ठीक है। काफ़ी अच्छा था वो भी, आप अच्छा हुआ कि आप करप्शन की ओर झुकाव नहीं किया आपने, आप ऊपर ही रहे। उन्होंने डेफ के बाहर ले जाकर ही बात किया है, डेफ पे बात नहीं किया है। अगले इंटरव्यू में हम डेफ और सब चीज़ों को लेकर चलेंगे, ठीक है। अच्छा बोल रहे हो, कॉन्फिडेंट हो आप,
बहुत बढ़िया कर रहे हो, मतलब अभी तो इम्प्रूव भी बहुत हुआ पिछले सेशन से, इस सेशन में भी अच्छा कर रहे हो, तो मतलब उसको मेंटेन करना अपने पेस को, ठीक है। आप नेक्स्ट में आप पूरा प्रॉपर गेटअप पे रहिए, एक तो आप पहले गेटअप मेंटेन करिए, नंबर टू थोड़ा सा पढ़ाई और करना है महिलाओं के बारे में, और जहाँ पर आप हैं वहाँ पर छोटे छोटे अधिकारी जो भी होंगे थोड़ा बहुत उनकी जानकारी रखिए, और नया जिला बन रहा है आपका क्षेत्र तो बिल्कुल वहाँ से क्वेश्चन आने का सकते हैं, ठीक है। बाकी वहाँ पर करते हैं, थैंक यू। थैंक यू सर। उठने के समय फिर किस टाइप का जाना है सर, ऐसे ही जाना है क्या? हाँ, थैंक यू बोलकर वो बोलते हैं आप। थैंक यू।